I am going to teach you two basic steps, hip hop, old school step. One is called crosswalk and second one is called Flintstone. So, first step is called crosswalk, right? As I said. तो इसमें करना कुछ नहीं है एंड प्लीज अवॉइड दिस आउटसाइड नॉइज क्योंकि मैं गांव पे हूं और शादियों का माहौल है सो या यू कैन अंडरस्टैंड सो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले क्या करना है खड़े हो जाना है इसमें बहुत इजी और मजे आने वाला स्टेप है ये राइट सो सबसे पहले क्या करना है खड़े हो जाना है ऐसे राइट एंड थोड़ा सा बॉडी डाउन रखना है हिप हॉप की एक क्वालिटी है कि इसमें कभी भी पूरी बॉडी खड़ी नहीं रखते थोड़ा सा बैंड करके रखते हैं राइट लाइक दिस यहां से थोड़ा बैंड रहेगा है ना कभी ऐसे नहीं करके डांस करना है राइट तो बैंड करना है राइट एंड देन स्विच इन करना है स्विच इन बोले तो आपका वी है जो आउटसाइड है उसको इनसाइड करना है राइट लाइक आप अभी आपका पैर ऐसे है तो उसको घुमा कैसे करना है ठीक है सो 5 6 7 गो 1 राइट एंड देन जो ये वाला पैर है राइट उसको पीछे ले जाना है राइट सो यहाँ पे एंड सेम टाइम पे क्या करेंगे इसको खोलना है राइट जैसे अभी क्या ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग राइट रेडी क्रॉसिंग राइट सो इसी में क्या करना है हमें थोड़ा सा इन करना है एंड जब हम लोग आउट करेंगे तो आउट की जगह पे ओपन ना करके हम लोग क्या करेंगे एक पीछे पहले जाना है राइट 5 6 7 गो 1 2 3 राइट सेम चीज हम लोग अपोजिट साइड पे रिपीट करेंगे 4 राइट सो बेसिकली क्या हो रहा है 1 2 3 4 राइट सो इस स्टेप को हम लोग क्रॉस वॉक बोलते हैं एक बार और मैं बता रहा हूँ 5 6 7 को बहुत इजी है ध्यान से देखना ऐसे बैठ के हम लोग राइट एंड देन इन एंड बैक इन एंड बैक सो इसके साथ हम लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं राइट ट्रैवल कर सकते हैं आगे जा सकते हैं पीछे आ सकते हैं राइट इट्स अप टू यू राइट सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड फ्लिंटस्टोन और ये बहुत प्यारा स्टेप है बहुत फेमस भी है राइट सो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है राइट लाइक खड़े हो जाना है बैंड बॉडी And then kick with your right leg. And then jump on the right leg again. And then jump on the left leg. Right, so ek bar aur kar rahe hain 5 6 7 go. Kick, jump on the right leg. And then jump on the left leg. Right, ek bar main side karke dikha deta hu side profile. 1 2 3 Right, so 5 6 7 go. 1 2 ये वाला पार्ट आ गया तो आगे का कंटिन्यू कर सकते हैं राइट सो ये क्लियर होना जरूरी है सो 5 6 7 गो 1 2 3 देन अगेन फिर से हम आगे वाले पैर पे आ जाएंगे 4 राइट एंड देन अगेन किक करेंगे हम लोग अप लेफ्ट वाले लेग से सो अभी हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे जैसा कि हमने राइट लेग से स्टार्ट किया था अभी हम लोग लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे ठीक है सो यहाँ पे हमारा स्टेप खत्म हुआ था इसके बाद लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे किक विथ योर लेफ्ट लेग एंड देन जंप ऑन द लेफ्ट लेग देन अगेन आफ्टर जंप ऑन द राइट लेग बैक साइड राइट सो दिस इज द स्टेप एक बार और कर दे रहा हूँ 5 6 7 गो किक जंप जंप ऑन द लेफ्ट लेग एंड देन अगेन वापिस यहीं पे आ जाना है लेकिन इस बार देखोगे आप लोग तो राइट लेग ऊपर है राइट सो 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी राइट लेग ऊपर है यहां पे देखोगे आप लोग तो लेफ्ट लेग ऊपर है राइट सो 1 या सो साइड करके मैं कर दे रहा हूँ 12 स्टेप सो 5 6 7 गो 1 1 काउंटिंग पे कर रहा हूँ 5 6 7 गो 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या सो बहुत इजी स्टेप है ट्राई करोगे आराम से हो जाएगा ठीक है
तो ये दो स्टेप्स रहे जैसा कि मैंने बताया राइट, एक था पहला था हमारा फ्लिंटस्टोन नो क्रॉस वॉक, क्या क्रॉस वॉक, और दूसरा था हमारा फ्लिंटस्टोन। दोनों को याद करना है, याद करना है मैं तो थोड़ा मेहनत देना है राइट, बिकॉज बिना मेहनत के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है राइट, तो थोड़ा मेहनत करना है और धीरे धीरे ट्राई करना है। मैं चूँकि दो दो स्टेप दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप उस यू नो हेडेक नहीं हो और आप स्मूथली और बिना हेडेक के आप स्टेप्स कर सको। और ऑफ कोर्स ये एग्जाम्स में मैं पूछूंगा तो बी प्रिपेयर राइट। और क्या बोलूँ, और सब आपको पता है राइट, क्योंकि स्टेप्स रटना जरूरी है, अगर नहीं रटोगे तो मसल मेमोरी में नहीं आएगा, और मसल मेमोरी में नहीं आएगा तो आप सॉन्ग में एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। दिमाग से नहीं स्टेप याद रखना है आपको, यू नो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से क्या होगा वो चीज़ मसल मेमोरी में आ जाएगी, और मसल मेमोरी में एक बार आ गई तो फिर लाइफ टाइम रहेगा राइट। दिमाग से नहीं डांस करना है, दिमाग से डांस करोगे आज रहेगा कल भूल जाओगे राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राइट, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ओके तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।